So we have Mr. Dharmesh Parmar from Ahmedabad, Gujarat, and he is coming all the way from China on his mojo. So let's hear what his experience about his journey. कैसा लगा आपको अभी तक? आप पूरे geared up हैं, पूरे गाड़ी को आपने, मतलब मुझे लग रहा है बहुत tough terrain से आपने निकाला है. कैसा रहा आपका experience? Sir, अभी तक terrain is too tough to ride. छः feet, 2 से 3 meter की water width में हमने गाड़ी निकाली हुई है. 1.5 feet, 2-2 feet के slush में से गाड़ी निकाली है. मर्ज ऐसे थे कि हमें 200 मीटर क्रॉस करने में कम से कम पूरा एक दिन लग गया है, सुबह से लेकर रात तक. माय गॉड. और मैं कहूँगा वर्ल्ड टॉप 5 में ये सबसे. मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मैं फॉलो कर रहा था आप लोगों को, आप लोगों की पूरी राइड को, और वो देख के बस यही लग रहा था कि यार कैसे कर रहे हैं आप लोग. और मुझे कई जगह ऐसा भी लगा, मन की बात बताऊं, कि सिर्फ फुटेज तो नहीं हो रहा है सिर्फ, है लेकिन आपके एक्सपीरियंस सुनने के बाद वाकई में नहीं जबरदस्त लग रहा है कि. और मज़ा आ गया, हम दूसरी बार भी जाना चाहेंगे. अब नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं जाने के लिए. नेक्स्ट ईयर हम लोग भी जाएंगे. हम लोग तो नेपाल तक गए थे आप लोगों के साथ, बट उसके बाद हम वापस आ गए थे और आप लोग आगे तक चले गए. बट ग्रेट टू सी यू बैक, एंड दैट टू इन लखनऊ, ऑन योर वे बैक टू दिल्ली. विश यू अ वेरी हैप्पी लखनऊ एंड मीट यू अगेन. थैंक यू सो मच. विश यू अ वेरी हैप्पी राइडिंग एंड सेफ जर्नी. थैंक्स. एंड वी हैव विपुल एंड वी हैव अग्नि वेदास फ्रॉम लखनऊ, एंड दैट्स मी रक्षित. सो बाय बाय लखनऊ, इट्स टाइम टू गो टू दिल्ली. या एंड हैव टू कंप्लीट माय वर्क देन गो टू अहमदाबाद, इट्स टू लॉन्ग. या सो लॉन्ग जर्नी अहेड, बट यू आर ऑल सेट. थैंक यू.